हम सभी के कोऑर्डिनेटर, लीड एजुकेशन स्पेशलिस्ट आदरणीय सर्वनम सिन्हा जी तथा भारत सरकार के, वर्ल्ड बैंक के और अन्य सभी स्टेक होल्डर्स भाई और बहनों, मैं सबसे पहले वर्ल्ड बैंक को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक एम्पिरिकल डाटा के साथ और सेकेंडरी डाटा के साथ BCG जैसे एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को काम देते हुए उन्होंने जो इफोर्ट किया है, उनकी जो प्रोजेक्ट भारत सरकार की 6 राज्यों में स्टार्स के नाम पे चली और उसमें जब आज डोर स्टेप की डेफिनेशन पे BCG के माध्यम से आज एक रिपोर्ट सामने लाया कि रिपोर्ट की कुछ विषय अभी चर्चा हुई और आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड गिव माई अप्रिशिएशन टू माई कॉलीग डॉक्टर मांडविया। दिस आई वॉज थिंकिंग आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद द डेफिनेशन जॉब एट योर डोर स्टेप। Our country has gone beyond that. When we are aspiring to be a developed economy by next 23 years, should we only stick up to the definition of job? मैं उसको भाषा नहीं comprehend कर पा रहा था, इसलिए मैं जब इस रिपोर्ट को मेरे सामने रखा गया तब मेरे मन में दो चीज आया था। ये सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कूल कोहोर्ट की विषय नहीं है, ये स्किल डिपार्टमेंट की भी उसमें काफी संबंध है और इस सबकी जो रिपोजिटरी जहां बनती है आज हमारे देश में ई श्रम पोर्टल और लेबर मिनिस्ट्री की जो बहुत सारे बहुआयामी अप्रोच है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, ये तीनों मिनिस्ट्री प्राइमरीली मैं बैठे बैठे और कई दुनिया सोच रहा था, एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स और स्किलिंग और एजुकेशन तीनों के बारे में इस रिपोर्ट में बहुत कहा। हम बिना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट से, ICAR की इन्वॉल्वमेंट से शायद टोटलिटी में नहीं दे सकते। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है सारे विभागों की इसमें इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है और मैं बिल्कुल सहमत हूँ और शायद ये BCG जैसे संस्था की और वर्ल्ड बैंक की और डिफरेंट मिनिस्ट्री की इस दुनिया को दिखने वाले अधिकारियों की सामने एक नया फूड फॉर थॉट आया है, क्या हम अपने देश के डेफिनेशन को सिर्फ जॉब तक सीमित करें, क्या इसको हम एम्प्लॉयमेंट तक सीमित करें, मैं उसकी बियॉन्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए इसको हम कोई एक कॉन्सेंसस शब्द निकाल सकते हैं क्या, क्या इसको हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कहें, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कहें, क्योंकि जॉब के अपने आप में एक सीमा है, जॉब सीकर और जॉब क्रिएटर दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है और हमारे जैसे देश में और दुनिया जब बदल रही है, दुनिया में 2000 भारत के पास अपॉर्चुनिटी क्या है, वी ऑल आर इन नीड ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 और इंडिया इज वन अमंग द, आई कैन से वन अमंग, आई थिंक दिस इज द यंग पीपल्स कंट्री, 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज द बिलो एज ऑफ 35। मिस ऑगस्टे वॉज लिटिल बिट वॉट आई कैन से is little bit, he used a term, is very scary. You are World Bank, how can you be so scary? Our numbers are our numbers. You can, that I can appreciate. Don't scare on us, because India, my Prime Minister has a very ambitious target. India has to be the skill hub of the world. Our skilling capacity, our knowledge capacity, our conversion of our traditional skills to futuristic skill, this is not going to impact India's own economy only. It is going to
with a driver of Indian global economy. With that background, with this background, पिछले दिनों में 2015 से जितने काम था उस जॉब की जो स्किल रिक्वायरमेंट थी 2015 में 25% बदल चुका था और प्रोजेक्शन ये कह रहा है बाय 2028 द नेचर ऑफ द 50% जॉब नेचर विल बी चेंज्ड, जॉब स्किल विल बी चेंज्ड बाय 2027 आउट ऑफ 10 6 आउट ऑफ 10 6 वर्कमैन वर्कफोर्स आउट ऑफ 10 विल नीड रीट्रेनिंग अपस्किल एंड रीस्किलिंग इज अ रियल चैलेंज एंड बाय 2030 the skill manpower shortage only, I'm quoting shortage only will be 85 million. जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।